देखो इक्विवेलेंस क्लास यानी उनका हिंदी क्या होता है तुल्य टावर, क्या होता है तुल्य टावर। देखो जैसे तुल्य टावर कहने से ही क्या हो गया तुल्यता संबंध, याद करो क्या आ रहा है तुल्यता संबंध, जिसको हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, वॉर रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव हो उसे, यानी तुल्यता वर्क तभी आप निकाल पाओगे, समझ गया ना, किसी एलिमेंट का जब वो रिलेशन क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध होगा। देखो इनका जो डेफिनेशन होता है परिभाषा, पहले हम इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोगों ने उतार लिया है जी सर, उतार लिए हो। चलो एक बार पढ़ के इनको सुनाते हैं, इसका जो है हम हिंदी भी बता देंगे। लेट ए बी एंड नॉन एम्प्टी सेट, समझ गया ना, ये क्या होना चाहिए खाली से, नॉन एम्प्टी सेट, समझ गया ना, खाली समुच नहीं होना चाहिए, कम से कम एक कम से कम एक एलिमेंट हो, ऐसा नहीं कि मान के चलो कि खाली संबंध हो, समझ गया ना, नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए संबंध, आर जो हो इस सेट पर परिभाषित संबंध क्या है, आर क्या है रिलेशन है जी सर, और इस सेट ये पर क्या है परिभाषित है इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध है, यानी सेट ए पर परिभाषित तुल्यता संबंध आर, सेट ए पर परिभाषित तुल्यता संबंध आर, आर क्या है सेट ए पर परिभाषित तुल्यता संबंध है। माना कि देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया ए, माना कि एक्स जो है ए का क्या है एलिमेंट है, एक्स जो है ए का क्या है एलिमेंट है, यानी एक्स जो है सेट ए में है, समझ गया ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, समझ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ए का तुल्यता वर्ग डिनोटेड बाय मतलब सूचित किया जाता है, ये देख रहे हो हाँ, ये क्लास मतलब ये कक्षा नहीं, समझ गया ना, वर्ग सबका अलग अलग मीनिंग होता है, इस सब में डिस्कस नहीं करना है, समझ गया ना, क्लास ये सब छोटका छोटका बात है, एकदम जो एकदम वर्ड थोड़ा जटिल हो उस पर डिस्कस कीजिए, समझ गया ना, यहाँ पर क्लास का अर्थ क्या होगा वर्ग, स्क्वायर मतलब भी वर्ग होता है जी सर, तो ये क्लास अलग है, समझ गया ना, जैसे मान के चलो कि राइट इंग्लिश में होता है ना जी, राइट मतलब क्या हो गया, ये आपका दाहिना हाथ मिल गया, राइट हैंड में कहते हैं, एगो राइट मतलब सही भी हुआ, एगो राइट मतलब अधिकार भी होता है, तो जहाँ मतलब जिस जगह हो वहाँ पर उसका यूज करते हो, क्लास मतलब क्या होता है कक्षा भी होता है, यहाँ पर हम क्लास की बात करेंगे वर्ग, समझ गया ना, इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो ये डिनोट किस प्रकार से किया जाता है, जैसे आप परिचित हो, आप बड़ी कोष्ठक बोलते हो, नहीं बोलते हो जी सर, या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, समझ गया ना, देखो अब यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास एक्स, समझ गया ना, इक्विवेलेंस क्लास एक्स, अब वैसे अभी पढ़ रहे हो तो क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, देखो विच इज डिफाइंड, विच इज डिफाइंड, अब ये जो है किस प्रकार से परिभाषित होता है, ये निम्न प्रकार से परिभाषित होता है, देखो इक्विवेलेंस क्लास एक्स, एक्स की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, एक्स की जो इक्विवेलेंस क्लास परिभाषित होती है इसमें वाई के ये सभी एलिमेंट होते हैं, वाई के ये सभी एलिमेंट होते हैं जो एक्स से रिलेटेड होते हैं, जो एक्स से क्या होते हैं रिलेटेड होते हैं, समझ गया ना, तो मतलब पेयर इसमें रहेगा एक्स वाई के रूप में क्या रहेगा पेयर, समझ गया ना, इसमें वाई का मान आएगा, एक्स वाई पेयर है ना, ये क्या है एक्स वाई पेयर, तो देखो ये वाई लिख दिया है ना, तो इसमें वाई का एलिमेंट रहेगा, समझ गया ना, निकाल किसका रहे हैं एक्स का, लेकिन एलिमेंट कौन आएगा वाई का, इनका हिंदी में लिख लो परिभाषा, मान के चलो कि इनका भी जो हम बताए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स का क्या निकालना है तुल्यता वर्ग, तो देखो वाई ये जो है ना ये तो तिरछी लकीर दे दो वाई, या नहीं तो कोलन दे दो बिलोंग्स टू ए, समझ गया ना, एक्स आर वाई, अब देखो एक्स एक्स से संबंधित होता है वाई से, डेट इज क्या हो गया
बिलोंग्स टू आर, ये लिखा है ना अर्थात का चिन्ह सर दैट इज। आप देखो तो ये एक्स की क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है ना, तुल्यता वर्ग निकालना है ना। एक सेट के ले लेते हैं एग्जांपल में, देखो इसमें एलिमेंट है एक दो तीन चार, इसमें चार एलिमेंट एक दो तीन चार, इस पर आधारित एक जो है तुल्यता संबंध हम आर लेते हैं। देखो तुल्यता वर्ग निकालने के लिए समझ गया ना, जिस सेट पर लेगा वो तुल्यता संबंध होना चाहिए, तो इसमें तुल्यता संबंध वाला ऑर्डर पेयर भी न लेना होगा। क्या लोगे, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर 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 फोर। आप देखो तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, आप रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक, आप सिमेट्रिक भी ना लेना है। सिमेट्रिक में क्या लोगे, वन टू दो ए दो तीन तीन, आप देखो दो तीन तीन दो तीन चार लेते हैं, चार तीन चार चार लेते हैं, इन्हें समझे सर। आप देखो दो तीन का आप टाइम जाते हो सर, क्यों ना करूं मैं, ये कोई जरूरी तो एग्जाम्पल लिए। देखो सर टर्म जेटिव रिलेशन में ऑर्डर पेयर जो लिए हैं रिलेशन में, तो ये देखो तीनों रिलेशन होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ऐसा हम लिए हैं ये तीनों रिलेशन, देखो कैसे होगा, तो इसमें चार एलिमेंट है, तो देखो सेल्फ रिलेटेड पेयर है कि नहीं है, चार एलिमेंट का है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्या हो गया। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, एक दो है ना तो दो एक हो गया, तीन चार है तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ न, एक दो से संबंधित है और दो किससे संबंधित है, एक दो से संबंधित है और दो किससे संबंधित है, एक से एक किससे संबंधित होगा, एक से एक एक हो गया ना, कितने मिल गया। अब देखो तीन किससे संबंधित है, चार किससे संबंधित है, तीन होगा, ये जो मिल गया एक छंट जाएगा, तीन तीन से संबंधित होगा ना, देखो मिल गया ना, ये कौन संबंध हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। अब देखो अब इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे, सेट एक में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेगा, जैसे हम एक का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, निकाले ट्रांजिटिव उसमें कहाँ, देखो ट्रांजिटिव कहाँ से रिफ्लेक्सिव समझे, एक दो से संबंधित है, दो एक से संबंधित है, कॉमन आया नहीं छट गया तो क्या बचा, एक और एक आ गया सर जी, हाँ ट्रांजिटिव समझ गया ट्रांजिटिव जी। अब देखो एक की इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, देखो क्या कह रहा है, इस एक्स की इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो एक्स कहाँ पर रहता है, पहला स्तंभ पर है ना, जी प्रथम निर्देशांक है ना, उसमें कौन मान लेते हैं, ई वाई ना लेते हैं, तो देखो एक की इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो एक तो होगा ही, एक होगा ही, क्योंकि एक यानी एलिमेंट एक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, एक एक, एक, तो एक, एक से रिलेटेड होगा ही, एक की इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो तो एक होगा ही। अब देखो एक शुरुआत में एक कहाँ पर है, देखो तो और किस पेयर में, एक दो ये है ना, तो इसमें शुरू वाला भी देखो ये वाय वाला ना मान लिखते हैं, किसका लिखते हैं, वाय वाला ना मान, तो देखो दो नहीं इसमें देखो तो क्या लिखते हैं, जैसे एक्स का इक्विवेलेंस क्लास निकालना परिभाषा में, तो कौन मान लेते हैं, वाय वाला ना मान, एक्स वाला मान लेते हैं, वाय वाला ना, जैसे वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालना तो क्या लेंगे, इन वन लेंगे, वाय वाला ना वन ले लिए। अब यहाँ पर देखो ये फिर देखो वन किससे रिलेटेड है, दो से ये वन लेगा कि दो लेगा, दो लेंगे के तरफ हो गया ना। अब देखो और कहीं वन रिलेटेड है नहीं है, आप सोचेगा कि ये वन किसका नहीं लेना है, काहे कि वो वाय होता है, समझ गया ना, पहले ए का एलिमेंट होता है फिर किसका होता है, बी का, इसलिए टू वन नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स जो है पहले स्थान पर न जी प्रथम निर्देशांक है आज, लेकिन यहाँ पर मान क्या हो गया, ये द्वितीय निर्देशन, इसलिए आप जो है ये वाले मान नहीं ले सकते हैं। अब उसके बाद देखो हम टू को दो की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, क्या होगा, टू वन
देखो दो की कोवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो दो तो होगा ही, जी सर, दो एक होगा सर, टू वन दो हो गया ना, दो एक। अब देखो दो किससे रिलेटेड है, एक से, तो क्या हो गया, एक, एक हो गया ना, जी सर, दो किससे रिलेटेड हो गया, एक से, एक से। अब हम किसकी इक्वेलेंस चार होगा सर, क्या होगा, तीन चार, देखो ये तीन जो है किससे रिलेटेड है, तीन से, तो ये तीन लिखाएगा यहाँ पर, समझ गया ना, चार, आप देखो तीन किससे रिलेटेड है, चार से, क्या लिखाएगा, चार, चार, समझ गया, जी सर। अब किसकी इक्वेलेंस क्लास निकाल रहा है, चार की, तीन होगा, आप देखो चार की, चार, 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 चार किससे रिलेटेड है, तीन से, तो यहाँ पर क्या होगा, तीन, तो समझ गया इक्विवेलेंस क्लास को, तुमने समझा, जी सर, दिक्कत भी होगा, नहीं सर, किसी एलिमेंट सेट, किसी मतलब कोई सेट ये रहेगा उसके किसी एलिमेंट का क्या निकालना हो, तुल्यता वर्ग निकालना हो, समझ गया ना, तो देखेंगे कि वो एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, उसको सेट के अंदर में रख देंगे, वही उसका क्या हो जाता है, तुल्यता वर्ग। अब देखो ये जो सेट है, ये जो सेट है ये पार्ट वाइज बट गया कि नहीं, बट गया, बट गया ना जी, देखो तो ये पार्ट वाइज बटा हुआ है कि नहीं, तो अब देखो इनका पार्टीशियन, इनका पार्टीशियन क्या होता है, आंसर हो गया आंसर जितना ही, हाँ सबका निकल गया तुल्यता वर्ग, देखो ये रिलेशन जो हम पढ़ाए थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इसमें गुम था ना तुम शुरुआत क्लास, इसलिए नहीं समझ रहा है ये रिफ्लेक्सिव कैसे हो गया, सिमेट्रिक कैसे हो गया, ट्रांजिटिव कैसे हो गया, इन तीनों की जो परिभाषा आप लिखे हैं इनको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, आप स्वयं समझ जाएंगे ये कैसे हुआ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ये सेट, ये में जितने भी एलिमेंट है ना इसका सेल्फ रिलेटेड पेयर, समझ गया ना, सब है ना, एक दो रहेगा, दो एक रहेगा, समझ गया ना, तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब ए भी रहेगा तो बी ए भी होना चाहिए, हाँ ए बी सी मतलब तीन को एलिमेंट का तुलना करेगा, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो एक किससे रिलेटेड होना चाहिए, अब समझा ना, वैसे तो क्लास में कितना चर्चा किया है, अब लिखो पार्टीशियन, पार्टीशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। अब इसी में देखो ये जो है सेट ए सबका इक्विवेलेंस क्लास निकाले, तो देख रहे हो कि पार्ट वाइज बन गया है, नॉट गया है, तो कितना पार्ट बना है, चार गो, चार गो नहीं, सेट में वन टू और टू वन एक ही सेट पढ़ा जाता है, जी सर, हाँ, दो गो, दो गो, दो, कितने सेट बने हैं, दो गो, दो गो, दो इन सेट बने हैं जी, देखो आपको क्या बन गया है, ये वन टू, ये वन टू बना जी, जी, ये इनको हम क्या मान लेंगे, पी वन, पी वन, फिर क्या बना है, थ्री फोर, पी टू, थ्री फोर बन गया जी, पी टू, थ्री फोर या फोर थ्री, एक ही सेट हुआ, जी सर, सेट में एलिमेंट इधर उधर रहे कोई मतलब नहीं होता, तो देखो पी टू, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशियन, पार्टीशियन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशियन, नहीं बोलते हैं, जी सर, तुल्यता वर्ग का भाग, आप देखो, देखो पार्टीशियन मतलब क्या हो जाता है, भाग हो जाता है ना, टुकड़ा टुकड़ा जी, नहीं हो गया, कौन सी, पार्टीशियन मतलब भाग, जैसे मान के चलो कि कलम है इसको तोड़ देगा, बार यहाँ से तोड़ दिया, इसी कलम का ना भाग होगा, एक दो है ना, किसका भाग है, एक दो का, एक अन्य भाग है, तीन चार है, किसका भाग है, समझ गया, मतलब पार्ट, पार्ट से क्या बन गया, पार्टीशियन, पार्ट से क्या बन गया, पार्टीशियन, समझ गया ना, टुकड़ा, और दिक्कत है इसमें, तो देखो आपको ये वन टू टू वन एक ही चीज ना हुआ, वन टू टू वन को हम क्या बोलते हैं, एक ही पार्टीशियन हुआ, समझ गया ना, ये थ्री फोर, फोर थ्री एक ही चीज ना हुआ, क्योंकि सेट में थ्री फोर या फोर थ्री एक ही सेट होता है, देखो पी वन और पी टू क्या कहलाते हैं, पार्टीशियन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पार्टीशियन, समझ में कोई दिक्कत नहीं है,
अब उसके बाद देखो ये पार्टीशन हो गया आ, इनका यूनियन मान के चलो किसमें तो दो गया, दो ही पार्ट हुआ और हम क्या करेंगे रिलेशन बड़ा रिलेशन लेंगे क्या लेंगे बड़ा रिलेशन लेंगे उसमें मान के चलो कि के पार्ट आ जाए कितने पार्ट आ जाए के पार्ट या एन ए पार्ट आ जाए एन का मतलब क्या दो गो तीन गो चार गो जितना हो चलते रहेगा तो देखो क्या पार्ट आ जाए पी वन आ जाए पी टू आ जाए पी थ्री आ जाए ये पी फोर आ जाए ऐसे कितना तक चलेगा ये तक चल गया अब देखो इन सब का जो यूनियन होता है क्या होता है यूनियन जैसे पार्टीशन का यूनियन पी वन यूनियन पी टू यूनियन पी थ्री समझ गया ना ये डॉट डॉट यूनियन क्या हो गया पी के ये किसके बराबर होता है जिस सेट पर हम परिभाषित जिस सेट का एलिमेंट लेते हैं उसके बराबर होता है किसके बराबर होता है उसके बराबर होता है मतलब पार्टीशन का यूनियन सेट के बराबर होता है पार्टीशन का यूनियन किसके बराबर होता है समझ गया ना जैसे सेट ये है ना ये सेट ये है कि नहीं है जी सर अब देखो इसका कितने पार्टीशन बना दो गो बना ना तो हम क्या करेंगे पी वन यूनियन क्या करेंगे पी टू आप बोलो कि पी वन का मान क्या है वन टू है ना इसका यूनियन क्या होगा थ्री फोर हुआ ना इनका यूनियन यूनियन मतलब क्या करेगा सब एलिमेंट को मिला देगा सब एलिमेंट को क्या करेगा मिला देगा इसमें क्या होगा एक दो तीन चार चार बोलो किसके बराबर हुआ एक के बराबर नहीं हो गया तो मान के चलो कि किसी इस सेट के एलिमेंट को लेकर के उसका तुल्यता वर्ग निकालते हैं समझ गया ना और जितने भी पार्टीशन उनसे बनेंगे जितने भी पार्टीशन बनेंगे और सबको हम मिला देंगे तो किसके बराबर होगा एक के बराबर सेट के बराबर सेट के बराबर होगा दिए गए सेट जो सेट लेते हैं उसके बराबर होगा जैसे सेट ए लिए है तो किसके बराबर होगा मान के चलो कि एगो रस्सी है एक हाथ का उसको टुकड़ा टुकड़ा में काट दो सबको जोड़ देगा तो उसी के ना लंबाई के बराबर होगा तो वही चीज है पार्टीशन का जो यूनियन होता है वो क्या होता है दिए गए सेट के बराबर होता है और उसका इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन तो पार्टीशन का इंटरसेक्शन फाई के बराबर होता है किसके बराबर होता है फाई के बराबर मतलब एक दो तीन चार बराबर होता है ऐसे ये फाई के बराबर होता है क्यों क्योंकि पार्टीशन में जो एलिमेंट आएगा समझ गया ना दो कभी भी कितने भी पार्टीशन क्यों दे उनका एलिमेंट कभी भी बराबर नहीं हो सकता है अगर बराबर हो गया तो पार्टीशन होगा ही नहीं क्या होगा जैसे मान के मतलब सर खाली नहीं होता है हाँ खाली खाली देखिए जैसे मान के चलो कि पी वन और पी टू का इंटरसेक्शन करेगा पी वन और पी टू का इंटरसेक्शन करेगा तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट का सेट तो क्या कॉमन एलिमेंट आ रहा है कॉमन एलिमेंट दो वन है तो वन मिला नौ सौ दो है तो दो मिला नौ सौ इंटरसेक्शन क्या हो गया खाली जीरो हो गया अगर एलिमेंट मिल गया तो पार्टीशन होगा ही नहीं एलिमेंट नहीं मिलेगा तब ना पार्टीशन होगा तो वही चीज है समझ गया ना यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो पार्टीशन का यूनियन क्या होता है बोलो पार्टीशन का यूनियन क्या होता है सेट के बराबर सेट के बराबर पार्टीशन का यूनियन सेट के बराबर इंटरसेक्शन फाइव के बराबर देखो तो स्टार्ट करके उतारेंगे।